अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याकूब बरावी। अभी हम शेख अबू उस्मान मगरिबी के आस्थाने से फारिग होकर 2.5-3 घंटा यहाँ पर बैठे। हम अब हम शेख फरीदुद्दीन अतार के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों रोज़ों का जो टोटल फासला 1 से 1.5 किलोमीटर है। बीच में खयाम, बहुत बड़ा एक शायर गुजरा है फारसी का, बहुत मशहूर है, उनका मज़ार है। उनके मज़ार के बाद शेख फरीदुद्दीन आतार का मज़ार। फरीदुद्दीन आतार का मज़ार यहाँ एक बहुत मशहूर है। ये एक टूरिस्ट जगह है। सैर तफरी के लोग आते हैं यहाँ पर, और यहीं पर सैर तफरी के बहुत से सामान भी यहाँ मौजूद है। और इनका जो गार्डन है बहुत खूबसूरत है, और जो फॉरनर्स है उनके लिए यहाँ, जो गैर मुल्की हैं उनके लिए अलग टिकट है, और जो यहाँ के लोकल ईरानी हैं उनके लिए अलग टिकट का सिस्टम है। तो जब हम पहली बार यहाँ आए थे, हमारे साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ था। वो वाक़या अभी तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहरहाल वो मैं फिर कभी दोस्त यारों को कभी किसी ने पूछा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा था वो वाकया भी। और शेख फरीदुद्दीन आतार के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ये साथ साथ आपको वीडियो के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता लगे। आपका नाम, आपका जो असल नाम है अबू हामिद है, और फरीदुद्दीन आतार के नाम से आप मशहूर हुए, और आपने तकरीबन 200 के करीब किताबें लिखी, और जिनमें से तज़किरतुल औलिया बहुत मशहूर है, जो उर्दू में भी है और sofibook.com पर फ्री में दस्तियाब है। इसके अलावा मंतिकुत ताइर के नाम से बहुत ही मशहूर मंजूम किताब है, जिसका उर्दू इंग्लिश तर्जुमा भी हो चुका है, दी बर्ड पार्लियामेंट के नाम से। आपके बारे में और मज़ीद मालूमात मैं आपको ये भी बताऊँ कि आप सिलसिला सोफिया नुरबख्शा के पीर तरीक़त शेख नजमुद्दीन कुबरा के खलीफा शेख मजिदुद्दीन बगदादी के शागिर रहे हैं आप। इस वजह से आप इनडायरेक्टली सिलसिला सोफिया नुरबख्शा के बुजुर्गाने दीन में शामिल हैं। आपके बारे में एक और वाक़या है, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत से सबक आमोज वाक़या। इनमें से आपको मैं छोटी सी एक मुख्तसर सा एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि आप बहुत बड़े ताजिर थे, अतर के, खुशबू के ताजिर थे। एक दफ़ा आप दुकान पे बैठे हुए थे, एक दरवेश आए और उन्होंने कहा कि तुम दुनिया की मस्ती में इस तरह से गर्क है, तुम अल्लाह के सामने कैसे जान दोगे। तो शेख फरीदुद्दीन आतार ने फरमाया कि जिस तरह तुम अल्लाह के सामने जान दोगे, उसी तरह से मैं भी जान दूंगा। तो उसने बोला अच्छा। उस दरवेश ने कलमा पढ़ा, उसके दुकान के सामने लेट गया और वो वहीं पर फौत हो गया। उसकी ये हालत देखकर उनकी ज़िंदगी वहीं पे तब्दील हुआ। उन्होंने वहीं पे खड़े खड़े अपने तमाम कारोबार, तमाम मालो असबाब गरीबों में तकसीम की और राह सलूक में दाखिल हुए। तो इनके हालात के बारे में और भी बहुत सारे हालात और वाकयात हैं यहाँ पर। मैं आपको साथ साथ वीडियोस भी दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ठंड भी है, बर्फ़ भी हुआ है, और अब यहाँ पे मगरिब के करीब भी है। हम अभी यहाँ से वापस मशहद भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारा सुबह कहीं और जाना है। तो इस वजह से साथ साथ मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको जो भी मेरे जहन में बातें हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर इनके नाम से एक म्यूज़ियम भी है छोटा सा, लेकिन ये आज तातील की वजह से बंद है, और इसके बाहर जो है सैर तफरी के लिए यहाँ पर उन्होंने ऊँट छून भी रखा हुआ है, ऊँट की सवारी भी करते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है। तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ यहाँ के बारे में मज़ीद और भी जो भी मुझ में मालूमात मिले आपको मैं शेयर